दिल्ली सरकार अपने अधिकारों को लेकर केंद्र सरकार से लड़ रही है। इसके लिए वो लगातार विपक्षी दलों का दरवाजा खटखटा रही है ताकि केंद्र सरकार की ओर से लाए गए अध्यादेश को राज्यसभा में चुनौती दी जा सके। इसी कड़ी में अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सीपीआईएम के अध्यक्ष सीताराम येचुरी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान अरविंद केजरीवाल ने सीताराम येचुरी से उनका समर्थन मांगा। 11 मई को ऑर्डिनेंस आया, वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया। इन्होंने ऑर्डिनेंस लाने की तैयारी 11 मई से शुरू कर दी थी, अंदर हरकतें चल रही थी। लेकिन 19 मई को शाम को 5 बजे जैसे ही सुप्रीम कोर्ट छुट्टी पे गया, रात को 10 बजे ऑर्डिनेंस ले आए। इनके दिल में काला है, इन्हें पता है कि सुप्रीम कोर्ट में ये टिकेगा नहीं, तो ये एक महीना इन्होंने बर्बाद किया। तो अब ये ऑर्डिनेंस को इन्होंने, एक तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हम करेंगे ही करेंगे, सुप्रीम कोर्ट जैसे ही खुलेगा हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, लेकिन जब ये राज्यसभा में आए तो सारी पार्टियों को मिलकर एक संदेश देना चाहिए कि हम चाहे किसी भी पार्टी से हो, इस पार्टी से हो या उस पार्टी, देश सुप्रीम है। वहीं सीपीआईएम के अध्यक्ष सीताराम येचुरी ने बताया कि वे दिल्ली सरकार की जंग में उनके साथ हैं। उनमें से एक है फेडरलिज्म, यानी केंद्र और राज्य की सरकार के बीच में। अब सेंटर और स्टेट्स के बीच में जो रिलेशंस है उसको तो पूरा टोटली उल्लंघन करते हुए डिस्ट्रॉय कर रहा है ये मोदी सरकार। अब स्टेट्स के अधिकारों के ऊपर बहुत हमले हो रहे हैं, बहुत तरीके के हमले हो रहे हैं, और उनमें से ये एक बहुत ही ब्रेजन तरीके से, जिस तरीके से ये ऑर्डिनेंस लिया गया, ये हमारे संविधान का उल्लंघन है। हम उस हिसाब से इसका पूरा का पूरा विरोध करते हैं। इससे पहले भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विपक्ष के कई नेताओं से मुलाकात कर समर्थन हासिल किया था। अरविंद केजरीवाल को अब तक एनसीपी, शिवसेना, तृणमूल कांग्रेस, बीआरएस समेत बिहार सरकार का समर्थन मिल चुका है। इस कड़ी में दिल्ली सरकार ने कांग्रेस से भी उनका मिलने का समय मांगा है। हालांकि कांग्रेस की ओर से अब तक कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा गया है।